गक्सीना गांव के लोगों ने एकत्रित होकर उपमंडल कार्यालय में एसडीएम व डीएसपी से मुलाकात की। ग्रामीणों ने गक्सीना के युवक हरदीप के पेंशन व मुआवजे की मांग की। एसडीएम मोहम्मद इमरान रजा ने गांववासियों को आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से जितनी भी मुमकिन सहायता होगी वह की जाएगी। सोमवार की दोपहर युवा बोलेगा मंच व गक्सीना के लोगों ने एसडीएम परिसर में लिबर्टी के खिलाफ नारेबाजी की। जीपी शेखपुरा ने बताया कि वे लिबर्टी के मालिक आदेश गुप्ता से मिलने की कोशिश करते रहे, परंतु हर बार उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। उसके पश्चात गक्सीना गाँव के लोग 18 जनवरी को लिबर्टी में एकत्रित हुए, लेकिन बीच बचाव में आए एसएचओ ने मामला शांत किया, लेकिन उसके बाद प्रशासन की लिबर्टी और हरदीप के साथ मीटिंग चलती रही और गांव में 2 जनवरी को हुई पंचायत ने 8 जनवरी को लिबर्टी के खिलाफ का ऐलान कर दिया था। लेकिन इसी दौरान लिबर्टी प्रशासन ने करनाल कोर्ट से सटे ले ली और करनाल कोर्ट ने गांववासियों को लिबर्टी से 500 मीटर दूरी बनाए रखने का ऐलान कर दिया। इसी दौरान गांववासियों ने करनाल कोर्ट के हुए आदेशों का सम्मान करते हुए लिबर्टी के बजाय घरौंडा उपमंडल कार्यालय में पहुंचकर घरौंडा एसडीएम और डीएसपी से बात करने पहुंचे। इस दौरान युवा बोलेगा मंच के प्रदेश अध्यक्ष जेपी शेखपुरा ने कहा कि आज हमने करनाल कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए शांतिप्रिय ढंग से उपमंडल कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम और डीएसपी से मुलाकात की। इस दौरान घरौंडा एसडीएम मोहम्मद इमरान रजा ने गांववासियों को आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से जितनी भी मुमकिन सहायता होगी वह की जाएगी। इस दौरान घरौंडा डीएसपी रविंदर सिंह सैनी ने कहा कि प्रशासन हरदीप को न्याय दिलाने के लिए हर तत्पर प्रयास कर रहा है। घरौंडा से सुरेंद्र पांचाल, आजाद टीवी। और पेंशन डिपार्टमेंट के थ्रू जो भी उसका आर्थिक सहायता हो सकती है या फिर उसकी जो पेंशन का इंतजाम हो सकता है किसी भी सरकारी महकमे से वो हम करवाएंगे। और उसके अलावा एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से उसके पास पहले से ही एक पेंशन स्कीम बनी हुई है, उसकी लगातार आ रही है, जो उसके जीवन काल में उसके चलती रही है।